गुड मॉर्निंग विद साबी ब्रॉट यू बाय बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में एवरी फ्राइडे। यस, हर फ्राइडे को हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट होते हैं। अच्छा, जब मैं उनकी बात करती हूँ कि कोशिश हम करते हैं कि उनके थ्रू आपको हर बीमारी के बारे में बात आपसे करें, शुगर हो और शुगर है या आपको अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस है, बोन्स प्रॉब्लम है, आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा। हमने हर तरह की गुफ्तगू, जब से मेरा एक साल हो गया मॉर्निंग शो को करते हुए, वो मेरे साथ स्टार्ट से लेकर माशाल्लाह अभी तक आपको पॉजिटिव जो है अवेयरनेस दे चुके हैं माशाल्लाह से। और हर तरह की गुफ्तगू जो नेचर के ऊपर है, सब्जियों पर है, बड़ी बात है। यकीन करें, इस तरह के लोग तो कहते हैं यार मेरी तो बस मेडिसिन ही है वो जो नो, वो हमेशा यकीन करें किचन में मेरे साथ हो जाते हैं। और वो चीज़ें जो आप गूगल पे भी देखें और पूरे वर्ल्ड में उसको ऑब्लाइज किया जाता है, उन प्रोडक्ट को, नेचर चीज़ों को, नेचुरली चीज़ों को जो है वो हमें यहाँ पर बैठे हुए बताते हैं। ये बड़ी बात है, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि ऐसे हिकमत से जो नॉलेज रखते हैं और तिब नबी के अंदर नॉलेज रखते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें जो है लाइव अवेयरनेस दे सकें। ये कम होता है, तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि गुड मॉर्निंग विद सभी की वो जीनत बनते हैं, हिकमत में बड़ा नाम। एक और चीज़, एक तो अपनी अपनी नॉलेज होती है और एक नॉलेज ऐसी होती है जो ख़ानदान की तरफ से आती है पुश्त दर पुश्त। और माशाल्लाह इनके वालिद साहब, उनके भी वालिद साहब आप सोचोगे ये क्या कह रही हैं सभी, यानी कि 11 पुश्तों से हिकमत और तिब्बे नबी को लेके चलते हुए और हकीम साहब को अब वो सेहरा उन्होंने अपने ये जो है ना सर पे सजाया है। और मेरी दुआ है कि हम हमेशा उनसे जो है ये नॉलेज लेते रहें, अवेयरनेस जनरेट करते रहें। उनकी प्रोडक्ट, नो डाउट उनकी प्रोडक्ट आपको शॉप पे नहीं मिलेंगी क्योंकि वो खुद कंडक्ट करते हैं और उसका जो है डायरेक्ट वो चाहते हैं कि मुझे इसका फीडबैक एक पेशेंट से मिले। तो वो कभी भी इसको किसी शॉप पे, वो कहते हैं मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि मैं सब जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, लेकिन जिसको कंसर्न होगा वो मेरे पास आएगा। सिंपल इज दैट, मैं ये कहूँगी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से स्टडी करके और वहाँ पे पढ़ाया पढ़ा और फिर सर्टिफाइड ऑल प्रोडक्ट, एक ऑफकोर्स हमारे पाकिस्तान में बड़ा इदारा है उससे सर्टिफाइड इनकी प्रोडक्ट है। और हर तरह की बांझपन की बात करूं, आपकी स्किन की ब्यूटी की बात करूं, आपके जिस्म के वो प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स कभी, मैं ये कहूंगी उनको वो नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी कैंसर पेशेंट आपकी स्किन में कोई भी वायरल हो जाए, कुछ प्रॉब्लम मुझे डॉक्टर डिनाई कर देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग इतनी तकलीफ में आते हैं हकीम अस्करी साहब के पास। तो मैम इंट्रोड्यूस करवाती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है। सभी आपने माशाल्लाह काफी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, ये लफ्ज कम है सर। और ये है कि इल्म जहाँ होता है जी, जहाँ वहाँ पर साहिब कदर भी मौजूद होते हैं। मेरा 11 पुश्तों का जो एक नॉलेज है, नस्ल दर नस्ल सीना बसीना चलता हुआ रहा है, इसके साथ साथ एजुकेशन भी मेरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया, MD।
MDH किया, यानी MD इन हर्बल साइंसेज में, होम्योपैथी क्वालिफाई किया वहीं से ही, एक्यूपंचर किया माशाल्लाह, और न्यूक्लियर मेडिसिन में भी मैंने PhD किया माशाल्लाह। तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि तमाम हर्बल साइंसेज और मेडिकल साइंसेज पर मेरा एक अबूर रहा है, और ये चीज़ें देखने के बाद के तमाम तरीका है इलाज नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ हिकमत से बहुत ज़्यादा उनका लगाव है, तिब नबी से बहुत हद तक उनकी यकीन और ईमान है, और आखिर में जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक, मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है, एलोपैथिक में भी जहाँ आदमी एंड होता है एलोपैथिक का, वहाँ से तिब नबी का आगाज होता है। ओके, यानी बहुत से ऐसे पेशेंट जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या ऑपरेशन से डर रहे हैं जी सर, उसके अखराजात से डरते हैं वो हमारी तरफ रुजू हो जाते हैं। ओके, और होना भी चाहिए, कोशिश हत्तुल मकदूर ये होनी चाहिए कि आप बगैर किसी सर्जरी के अगर ठीक हो सकते हैं तो बेटर। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। तो आइए कोशिश कीजिए कि आप अपने मर्ज को, अपने मसाइल को बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ, सहल तरीके से हल कर लीजिए, ताकि आप किसी ऐसी सर्जरी पर ना चले जाएं जहां आप महीनों बिस्तर पे हों, सालों इलाज उसकी रिकवरी पर गुजर जाएं, और फिर डॉक्टर्स कहें कि ये अब मेडिसिन आप सारी जिंदगी खाते भी रहें। ओके, इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे कुछ बहुत सारे मराज हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, फिर कुछ ऐसे भी मौसम के हवाले से जो तब्दीलियां आती हैं, उन मौसमी तब्दीलियां, तगयुरात और उसकी चेंजिंग में जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, सीना बंद हो जाता है, नज़ला, खांसी, बुखार, ये इस मौसम की जो है वो तब्दीली मौसम की नियमतें भी होती हैं जो आपके टॉक्सिन्स को निकालती हैं अगले मौसम में आने तक, जो है आपका गला, फेफड़े और मैदा वगैरह साफ हो जाता है, वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और फिर आप रिकंडीशन होकर नए मौसम को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और मौसम की तब्दीलियां हो गई साथ साथ गा बगा, हम आप अगर हमें कॉल करेंगे तो उसका भी आंसर देंगे, लेकिन बेसिकली आज टॉपिक है वो है बांझपन, और बहुत सारी खवातीन और ये आज तक समझ उनको नहीं आया प्रॉब्लम किस में है किस में नहीं है, और एक कुछ लोग ऐसे हैं कि तीन तीन शादियां भी कर लेते हैं लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता, वो क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को छुपा रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप इस वक्त, हम लोग क्योंकि बेस्ड इन कराची, हम लोग इस वक्त यहाँ से लाइव शो कर रहे हैं, और इस्लामाबाद भी देखते हैं, लाहौर वाले भी देखते हैं, सब वहाँ पर माशाल्लाह हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को देखते हैं और अकीम साहब को देखते हैं, तो बहुत जल्द इनका ट्रैवल है, वहाँ विजिट है, कुछ पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं। अब अकीम साहब बताएंगे कि इनका क्या पूरा प्लान क्या है, जर्नी क्या है, कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से शहरों में जाना है। जी सर, ताकि जो लोग वहाँ देख रहे हैं वो आपको ज्वाइन कर सकें। यस सभी, बहुत, एक तो मैं काफी दिन से लाहौर मेरा विजिट नहीं हुआ, ओके, इस्लामाबाद नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ के मरीज बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और तकरीबन समझे के रोजाना ही टेलीफोन आते हैं वहाँ से, आपका बहुत, कि जी आपका बारे हैं और हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है, और मैं अक्सर मरीजों को ऑनलाइन भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन बस कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें बिलमुशाफा देखना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे केसेस जो हैं वो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, परसों मेरी फ्लाइट है, ओके, सैटरडे को, कल सॉरी कल मेरी फ्लाइट है, और पीर को मैं इंशाल्लाह मरीज देखूंगा लाहौर में, ठीक है, पीर मंगल बुध जो है तीन दिन मेरे लाहौर में, तीन से चार दिन विजिट है, पीर मंगल बुध आप लाहौर में स्टे करेंगे, ओके, नवंबर है, दिसंबर आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर तक मैं इंशाल्लाह लाहौर में, यानी अच्छा, ओके, फर्स्ट दिसंबर तक जो है लाहौर और इस्लामाबाद में मेरा विजिट होगा, ठीक है। और नाज़रीन, बात यह है कि आज का हमारा मौजू जो है वो बड़ा अहम मौजू है, जैसे कि कहा बांझपन। अच्छा, आपने ये जो टॉपिक बताया ना बांझपन, इनफर्टिलिटी, तो मैं जरा बताऊं कि मेरे पास अल्फाज कम थे जो मैंने इनका इंट्रोडक्शन किया, लेकिन इनका प्रोफाइल आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बुलंद मकाम के पर्सन हैं जो हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में बैठे हुए, और इनका छोटा सा खूबसूरत सा पैकेज लें, ब्रेक नहीं है, पैकेज देखें और वापस आते हैं।
मसीह उल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलकाए बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हस्टम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार विस्ट्रेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया। हकीम सैयद जफर याब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान अफगानिस्तान उर्दन पाक को हिंद के मुमताज शख्सियत के मुआलिज तबीब उल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमरीकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज अरबी इंडियन होम्योपैथ नेचरपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। माशाल्लाह आपने देखा स्पेशल पैकेज, आपको ये बताने का मकसद है कि जो बंदा इस वक्त जो पर्सन मेरे पास बैठे हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू कितनी ऑथेंटिक है। आप इधर उधर ना देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट अवेयरनेस मिल सके। और आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी बांझपन। हम चलते हैं हकीम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब के पास और वो आज इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन में या मर्द में, इसको बेसिकली यानी कि पूरा इसको एक ब्रीफ करेंगे। यस प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। यस अच्छा नाज़रीन, बात यह है आज का मौजू जो है इस पर बहुत सारे लोग मुंतजर थे और मुझसे बार बार फ़ोन करते थे कि जनाब आप इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी पर गुफ्तगु ज़रूर कीजिए, हमें मॉनोलॉज दीजिए ताकि हम हमें सही तरीके से रहनुमाई हमारी हो सके। तो आज का मौजू जो है वो बेऔलादी है, हमें मर्दाना जनाना बेऔलादी की वजूहत या बांझपन कह लीजिए उसकी वजूहत हैं क्या। हम समझते हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद के मसाइल क्या क्या होते हैं। देखिए बात यह है कि जब भी ऐसे अज़दवाजी मामलात होते हैं उसमें कुछ चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर मोहतात रहना चाहिए। आप ख़वातीन में ख़ास तौर पर शादी से पहले उनके हार्मोनल सिस्टम यानी माहवारी का निज़ाम जो है वो अगर ख़राब है तो फौरी तौर पर अपने मौलिज से रजू कीजिए। मेरा रابطہ है, नंबर आपके चल रहे हैं, मुझसे रابطہ कर लीजिए ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं और आपका मंथली साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाए। बच्चियां बाज़ औक़ात जो हैं नाइल्मी की वजह से भी और या उनको वालिदैन या उनको उनके बड़े जो है गाइड नहीं कर पाते और शर्मा हजूरी के शिकार हो जाती हैं बच्चियाँ, जिसकी वजह से वो अपने मसाइल अपने माँ बाप को या अपने मौलिज को नहीं बता पाते। तो ये अमल बहुत ज़रूरी है कि सन बलूगत में इन तमाम चीज़ों को उनके वालदैन नोट करना चाहिए कि भाई उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेंसिस बंद तो नहीं हो रहे, कम तो नहीं आ रहे या बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे। तो दोनों तीनों सूरतें जो हैं वो परेशान कन होती हैं और इसमें फौरी तौर पर बच्चों के लिए ग़िज़ा की तब्दीली कीजिए और ऐसे अयाम के दौरान में उन्हें ठंडा पानी आइसक्रीम या ऐसी चीज़ें जो कि फौरी तौर पर मैदे को असर अंदाज जिस पे होती हैं वो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। हमें बच्चों की इब्तदाई स्टेज पर भी उनकी तरबियत और उनकी सेहत की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में वो बेहतरीन माँ बन सकें और बेहतरीन। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बेसिकली आपने बहुत अच्छी बात शुरू से बताया कि क्या। अच्छा साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इनिशियली मैक्सिमम अक्सर लोग मैंने देखे हैं, क्या आप समझते हैं अगर किसी की भी साइकिल ख़राब हो जाए किसी भी लेडी की तो क्या उसके बाद उसका दोबारा से कंसीव करना क्या बहुत मुश्किल है? देखें जब सिस्टम ख़राब होता है आपके पीरियड्स बच्चियों के सही ना आ रहे हों तो उस दौरान में कंसीव होने के मामला बहुत कम होते हैं, नामुमकिन होते हैं है। क्योंकि जब सिस्टम ये है खुद डिस्टर्ब होगा तो ओवम कैसे बनेगा, ओवम मीन बैजा अंडा जिससे कंसीव किया जाता है वो नहीं नामुकम्मल होता है, इमेच्योर होता है
और उसमें अगर कंसीव हो भी जाता उस दौरान में तो बेबी जो है वो एबनॉर्मल डिसेबल या उसके अंदर कोई कमी वाक़ा हो जाती है, जैसे मुख्तलिफ मसाइल हैं, खून की बीमारियाँ प्रॉब्लम्स आ जाना शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जो है आप उनसे बचने के लिए एक सेहतमंद माँ का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम जो ख्वातीन में आती हैं, पहले ख्वातीन का मसाइल डिस्कस करता हूँ फिर मैं मर्दों की तरफ आता हूँ। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि मुसलसल अगर हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्बेंस है तो वो टॉक्सिन्स, वो मवाद, वो फासिद खून वो बॉडी में रहता है, जिसकी वजह से उन बच्चियों को मुसलसल सर दर्द की शिकायत, उनका स्किन जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है, मैदा ख़राब होना शुरू होता है, पेट में दर्द रहता है, हर वक्त गुस्सा और कैफियत जिसम गर्मी की कैफियत बहुत ज़्यादा रहती है, पैरों में जलन भी बच्चों के ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उनकी ज़िंदगी का वो दौरानिया जो है जो ऐसी कैफियत में होता है, जब मेंसेस आते हैं तो इंतहाई पैनिक होते हैं। ओके तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें। इसमें बच्चों में जो इससे मुस्तकिल ये रहने से फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, इसी तरीके से सिस्ट होती है, पॉलीसिस हो जाता है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं अगर ये चीजें आपकी साइकिल खराब हो जाए तो वो अगर बहुत टाइम ड्यूरेशन अगर आपका गुजर जाए, चले बच्चे नहीं हो रहे, वो तो हम कहते हैं चले नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या क्या पड़ सकते हैं उसके ऊपर हम रोशनी डाले। और इन्होंने बताया कि फाइब्रॉइड्स क्या हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स है, पानी की थैलियां कह लीजिए, सिस्ट हो जाता है, सख्त हो जाती है वो जगह पर, और अक्सर मोलिजिन उसके लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, जो कहते हैं वो कहते हैं जी इसके लिए ऑपरेशन जरूरी है, माय गॉड, या वो ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे वक्ती तौर पर जो है वो मसनूई तरीके से उसके जो है मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और वो पीरियड जो है जब वो दवा खाएंगे तो पीरियड आना शुरू, या अल्लाह ये तो बड़ा तकलीफ, जब नहीं खाएंगे तो पीरियड नहीं आएंगे, लेकिन ये तरीका कार तो वक्ती तौर पर तो आपके लिए सही है, लेकिन मुस्तकिल तरीका कार ये नहीं है। इसके लिए आपको फौरी तौर पर तिब्बे नबी की तरफ, हर्बल साइंसेस की तरफ आना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर आपको उस ऑपरेशन से बचा लिया जाए जो मुस्तकबिल में आपको बे औलादी का सबब बन सके, क्योंकि जब ऑपरेट हो जाता है तो फिर वो बच्चे पैदा करने के काबिल खातून नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज भी होती है, उस कभी उसमें ब्लॉकेज में स्वेलिंग हो जाती है फैलोपियन ट्यूब्स, उसकी वजह से भी आपके मेंसेस ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आप अगर कभी ऐसी कैफियत हो तो घर में कुछ एक रेमेडी है जो आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ लीजिए और सना मक्की लीजिए, ये इनको हम वज़न ले लीजिए, यानी 5-5 ग्राम सारी चीज़ें, इसे 3 कप पानी डालिए इसमें और बॉयल कीजिए, 2 कप रह जाएं, 1 कप सुबह और 1 कप शाम इस्तेमाल कीजिए, इससे बच्चों में कि जो मेंसेस की पेन है या कमी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये 5 से 7 दिन जो है दौरान अयाम इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ साथ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसके साथ आप खजूर या छुआरे लीजिए और इनको जौ के दलिये में डालिए, बादाम, पिस्ता, छुआरे ये डालकर आप इसको मैश कीजिए और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करवाएं। जबरदस्त, तो उनसे उससे जो है उनकी जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, ये खजूर है, तो ये दोबारा छुआरे वाले एक बार रेसिपी दोबारा बताएगा, इसमें 5 दाने छुआरे, ठीक है, 7 दाने बादाम, ओके, 5 दाना पिस्ता, ठीक है, 1 अखरोट, ठीक है, काजू 3 अदद ये इसमें डालिए और अंजीर डालिए 3 अदद, ओके, और इसको जौ के दलिया में बॉईल कर पका कर दूध में पका कर ओके खिलाइए, इससे उसकी बच्ची की कमजोरी भी, नकाहत भी खत्म होगी, खून की कमी भी कम हो जाएगी और उसकी जो जिस्मानी कमजोरियां हैं वो रफा होना शुरू हो जाएंगी, यूं जो है उसके अंदर ताकत भी आएगी और ये जो मैंने जोशांदा बताया है जिसे आप कहवा कह लें वो आप इस्तेमाल करवाइए जो मैंने लास्ट टाइम अभी पहले बताया है। बेहतरीन, तो ऐसी सूरत में आपकी बच्चियां माशाल्लाह घर बैठे बहुत सारे मसाइल से बच सकती। अच्छा, ये मक्को का पानी हो गया,
या एक नाम है चौराहे, तो पता है मुझे तो ज्यादा टहर नहीं मालूम, तो वहाँ ऐसे नाम होते हैं ना। ये मक्कों का पानी फायदेमंद होता है? देखिए जब अगर स्वेलिंग होती है, वर्म होता है ना, अच्छा, जिसम में कहीं भी इन्फ्लेमेशन गैसेस बन रही हूँ, तो इन्फ्लेमेशन में वर्म में, तो ये मक्को, कासनी, सौंफ, पुदीना और जीरा, ठीक है, इसके अरकियात ले लीजिए। ओके, और इनके अरकियात जो है वो आपस में सारे मिक्स कर लीजिए, पानी डाल के, और आधा कप सुबह, आधा कप दोपहर, आधा कप शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले ये पी लिया करें, तो वो उससे जिस्मानी वर्म खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और दौरान अयाम जो है वो भी अगर ये इस्तेमाल करें तो इससे माहवारी खुल कर आती है। क्या बात है, जबरदस्त। और हम लोग बात करें बांझपन की, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू से हम लोग अवेयर कर सके। अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ जब डिजीज या इंटरनल ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमारे इन्फेक्शन बढ़ने के ज्यादा होते हैं, ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो और हमारी ऐसी इंटरनल जगहें हों, तो हमें मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो लापरवाही करेंगे, तो वो उसकी वजह से और तकलीफ भी हो सकती है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, या हमें कैसे अपने आप को क्लीन भी करना चाहिए? देखिए एक चीज ये है कि जैसे इन्फेक्शन अगर पास करते हुए भी हो जाता है, यस, एक है पिंकी जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमाइट, ओके, वो थोड़ी सी पानी में भी डाली जाती है कि पानी को मुसफा करने के लिए। मैं समझ, दाने वो मिल जाते हैं सुर्ख रंग के होते हैं, नाजिल छोटे छोटे दाने होते हैं, पोटेशियम परमाइट कहते हैं उसको, पिंकी भी कहते हैं आम जुबान में, ठीक ठीक, वो थोड़ा सा लोटे में डाल लीजिए, जिस वक्त आप तहारत करें उस वक्त वो उसमें उस लोटे के पानी से। लेकिन आपका जो फेमिनाइन मस्कुलिन वो भी तो बताएं ना, वो तो फेमिनाइन जो है वो बहुत जबरदस्त चीज है, वो तो बड़ा इंटरनल जो खवातीन में वजाइनल में इन्फेक्शन जो हो जाता है, तो उसके लिए ये दवा जो है ये तहारत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पहले थोड़ी सी दवा डाल के ना, ठीक है, जब भी आप स्टूल पास फारिग हों, यूरिन से फारिग हो जाएं, तो वो दो तीन दफ़ा, चार दफ़ा दिन में रात सोते वक्त लगाएं, लेकोरिया ठीक हो जाता है उससे, देखें ना, उससे इंटरनल इन्फेक्शन सही होता है। लेकोरिया का मतलब है कि लेकोरिया में जो अंदरूनी इन्फेक्शन होता है, हो जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और उसमें दाने भी निकल आते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से जो दौरान अज़्दवाजी मामलात में कुछ ख़वातीन को बहुत पेन होती है, वो पेन भी ख़त्म हो जाती है, और यू इंटरनल जो तमाम क्लिनजिंग हो जाती है अंदरूनी मामलात में, और आप नई जिंदगी के खूबसूरत हसीन दौर में आप शामिल हो जाते हैं, तो वो तकलीफें आपकी तमाम रफा हो जाएंगी। और यूं ये जो हमारा ये फेमिनाइन रखा हुआ है फीमेल्स के लिए, ये फीमेल्स के इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, और फिर साथ साथ ये फेमिनाइन जो है ये मुख्तलिफ अगर चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, चेहरे पे भी लगाएं तो चेहरे पे दानों का इन्फेक्शन भी खत्म होता है, और इसी तरीके से गैंग्रीन, एक्जिमा या पाइल्स चीजों को भी, पाइल्स भी अगर वो तो स्टूल वाली जगह पे लगाएं तो पाइल्स भी इसका। अच्छा हमारे क्योंकि हमने कॉल आप बात कह रहे थे, तो कराची से एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को जब वो खाना खाती हैं तो उनको सीने में जलन होती है, तो आप उनको कुछ बताना चाहे होम रेमेडी है जो भी आपको अच्छा। जी जी, अगर बहुत ज्यादा ऐसा मामला है कि खाने खाने के बाद सीने में जलन होती है, तो उसमें आप एक तो तेज मिर्च मसाले, अचार, चटनी, सुर्ख मिर्च बिल्कुल बंद करें, गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, और सब्जियां ज्यादा खाएं, घी या तोरी, टींडे, शलजम, कद्दू और दही का इस्तेमाल रखें। खाली पेट दो केले दही में मैश करें, तकरीबन 250 ग्राम दही में दो केले आप मैश कीजिए अच्छी तरीके से, और वो सुबह और शाम दो टाइम खाइए। उससे ये होगा कि आंतों का इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है, मैदे का इन्फेक्शन ख़त्म होता है, मैदे में जो जलन होती है वो आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ पुदीना, सौंफ और इलायची 11 पत्ते पुदीने ले लीजिए, सौंफ आधा चम्मच और एक दो इलायची, उसका कावा बनाकर दिन में 2 से 3 मरतबा पीजिए, इंशाल्लाह इससे भी बहुत फायदा होगा। और इसके साथ साथ हमारा अस्करी गोल्ड है, नाजिन ये रखा हुआ है अस्करी गोल्ड, ये अस्करी गोल्ड जो है ये हमारा मैदे, जिगर की और आंतों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करता है, आंतों का इन्फेक्शन खत्म, मैदे का अल्सर है, मैदे में किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है
जलन है, खटी डकारें हैं, बदहजमी की शिकायत है, तो ये चंद दिनों में अस्करी गोल जो है ये आपको नॉर्मल कर देगा आपका। देखें मैदा जो है वो उम्मुल इमराज है, पेट जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका मैदा सही है, जिगर सही है, तो यकीन मानिए आप 72 इमराज से बचे में। ओके। और अगर मैदा सही नहीं है तो आप समझिए कि आपका बुनियाद आपकी खराब हो रही है, ना आपका जो कुछ खा रहे हैं वो जिस्म को लग रहा है, और आप सता हुआ चेहरा हो जाएगा, पीला चेहरा हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा। आप कहेंगे भाई मैं तो सब कुछ ही खाता हूँ या खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लगता नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने मैदे का खास तौर पर ख्याल रखना। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को एक बार फिर जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया, वीनस एचडी टीवी चैनल गुड मॉर्निंग विद सभी वॉच कर रहे हैं, एक बार फिर मैं बताती चलूँ, इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, और माशाल्लाह मेरे फर्स्ट डे से मेरे साथ ज्वाइन है गुड मॉर्निंग विद सभी में, एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं, और अब इनका विजिट हो रहा है ऑफकोर्स जो है वो लाहौर इस्लामाबाद का। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया उनको जरूर बता दें कि आपका जो है इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे आप लाहौर पहुंच रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान हो गई अब आपकी इंशाल्लाह। तो इस दौरान में मुझे एक मैसेज भी आया जो मैंने अभी देखा है जी, तो जी। वो पूछ रहे थे कि जी आप पिशावर कब आ रहे हैं। अच्छा, तो पिशावर जरूर आइए, जब आप इस्लामाबाद तक आ रहे हैं तो पिशावर भी इंशाल्लाह मैं पिशावर भी आऊंगा, और मेरा इरादा यही है की मैं पहली तारीख के बाद जो है इंशाल्लाह पिशावर। चले जी पिशावर भी चलते हैं, लेकिन मैं अभी इनको लेके जा रही हूँ इनके पैकेज की तरफ, फिर हम फौरन ब्रेक नहीं है, पैकेज देखते फिर वापस आते हैं। मसीउल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा जिन्होंने मलकाए बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकंगम पैलेस में किया, आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीउल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार विस्ट्रेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफर याब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान अफगानिस्तान उर्दन पाक और हिंद के मुमताज शख्सियत के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमरीकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज अरबी इंडियन होम्योपैथ नेचरपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का आपने स्पेशल पैकेज देखा, अभी उन्होंने जो हम ऑफकोर्स टॉपिक पे बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, और उन्होंने खवातीन की जो है प्रॉब्लम्स कैसे शुरू होती हैं और इनका रीज़न क्या है वो सब ब्रीफ किया। अच्छा फीमेल की बात होगी, अब मैं इनके पास चल रही हूँ ये बताना चाह रहे हैं मेल के बारे में। जी जी, अक्सर मैं ये बताता हूँ खवातीन हज़रात को, आप बताते हैं और आपका फोन मुस्तकिल बज रहा है, ये भी बता दें कि लाइव शो में इनसे बात जी हां नाज़रीन, इस वक्त मैं लाइव शो में बैठा हूं, आप बराए करम जो कॉल अगर करनी है तो आप या तो मैसेज कर दीजिए, इस वक्त मैं चैनल पे आपका कॉल नहीं सुन सकता, तो बाद में आप 2 बजे के बाद नमाज जुमा के बाद जो है आप फोन कीजिए, और आज मैं मेरे नमाज जुमा के बाद जो है मैं इंशाल्लाह अपने मतलब में जो ग्लैमर मॉल में है राशिद मिनहास रोड लासानिया रेस्टोरेंट के पास ब्लॉक 10A गुलशन इकबाल में मैं वहाँ पे मरीज देखूंगा, और रात तकरीबन 8 बजे तक मैं अपना मतलब करूँगा। फ्राइडे में मैं अक्सर ऑफ करता हूँ, लेकिन आज कल चूँकि मैं कल जा रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे मरीज जो हैं वो मुंतजर हैं कि हम आज दिखा चले जाए, तो आज जरूर। अच्छा आपका विजिट मैक्सिमम कितने दिन तक का, 2 हफ्ते का 1 हफ्ते का? मेरा तकरीबन आप चूंकि पिशावर का भी मैंने बना लिया है टूर का, तो तकरीबन मेरा ये 10 दिन हो जाएगा। बस हो जाएगा 2 हफ्ते तो मैक्सिमम आप? नहीं 10 दिन। 10 दिन, अच्छा 10 दिन में ही कवर करके आ जाएगा, क्योंकि कराची के मरीज भी बहुत ज्यादा जो है दूर दराज इलाकों से कराची में आते हैं, बलूचिस्तान से, अंदरूनी सिंध से, पंजाब से भी आते हैं मेरे पास बहुत सारे मरीज, तो उनके लिए भी क्यों माजरत मुझे फोन करके तशरीफ लाइए अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आपको जहमत ना हो। अच्छा बात यह है कि अब हम जिक्र कर रहे हैं मर्दाना कमजोरी, मर्दाना बेऔलादी,
मर्दाना बांझपन। अब मर्दों और औरतों में, पहले सिर्फ खवातीन में बांझपन का लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब मर्दों पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। बहरहाल उर्दू बड़ी वसी फसी और बलीग जुबान है, जहाँ चाहे आप इस्तेमाल कर लीजिए। माशाल्लाह आपकी तो उर्दू और शायरी भी बड़ी दबंग है। कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, बदलते बदलते अजब हो गया। कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, बदलते बदलते अजब हो गया हूँ, करो तुम मेरे साथ जो जी में आए, कि मैं भी अब उर्दू अदब हो गया। हकीम साहब माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, नात में देखें, सरकार की महफिल देखें, और फिर हुब्बुल वतनी देखें, तो मेरे जितने भी खूबसूरत बच्चों के जो है तकरीरी मुकाबले होते हैं, उनके जज भी रह चुके हैं, तो हर जो है ना, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है, जहाँ पाकिस्तान के टैलेंट की बात आती है, हर जगह या तो हमें इनको ओब्लाइज करना पड़ता है या ये और लोगों को ओब्लाइज कर। सभी मैं दुनिया में काफ़ी घूमा हूँ, यस, तकरीबन 45 मुल्क, माश, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि आप अमेरिका में रहे इतना 17-18 साल रहे, आप अमेरिका से पाकिस्तान क्यों आ गए वापस? अय अल्लाह। मैंने कहा बच्चा कहीं भी जाता है घूम फिर की माँ की गोद में आता है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही आपने। मैंने कुल्ले शैन यरजौन इला असलही, हर चीज अपने मरकज की तरफ, बिल्कुल बहुत अच्छी। तो हाँ, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारी जान है, हमारा दिल है, हमारा ईमान है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया है, अल्लाह ताला उन मकासिद में हमें कामयाब। आमीन सुमाम जी। दूसरा ये कि जो मर्दों के मसाइल हैं, उनमें इब्तदाई स्टेज में सने बलूगत में बच्चों को की तरबियत बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये मोबाइल आपकी इस्लाह भी करता है, आपको रास्ता भी दिखाता है, और यही मोबाइल आपको भटका भी देता है और आपको जलील व ख़्वार भी कर देता है, दुनिया भी ख़राब कर देता है। इसका इस्तेमाल सही कीजिए, बर वक्त पे कीजिए और हर वक्त ना कीजिए, क्योंकि जो लोग, जो ख़वातीन बच्चे या गोद में मोबाइल रखती हैं या लैपटॉप रखती हैं, तो उनका अंडर पार्ट जो इंटरनल पार्ट है वो प्रॉब्लम में आ जा शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर सिस्ट, थायराइड्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आप खुद ब खुद अपने लिए पैदा करते हैं। ओके, इत्तदाल में रखिए, हर चीज़ को वक्त पे इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला वक्त आपके साथ चलेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं नौजवानों को बात करता हूँ कि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह ख़वातीन में लेकोरिया है, इसी तरीके से नौजवानों में जुरियान की शिकायत, इख्तलाम की शिकायत, नाइट फॉल कह लें, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे शर्म से माँ बाप को नहीं बताते, और उन माँ बाप भी उनकी ग़िज़ा का अहतमाम नहीं सही तरीके से करते। देखें जो सन बलूगत में बच्चों को बचपन से ही उनको दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, बादाम, पिस्ता, खरोट वगैरह समझे ना, ये, और उनको वर्जिश और उनके लिए अच्छा खूबसूरत माहौल पैदा कीजिए, उनको खेल कूद के रास्ते बताइए, ताकि वो दुनिया के सही रास्ते पे चलें और दीन और दुनिया के जो है मामलात में उनको मुकम्मल कीजिए। याद रखिए, यही औलाद आपकी बख्शी का सामान बनेगी। ये दुनिया और आखिरत का सामान जो औलाद को आप देके जाते हैं, वो औलाद जो है वो फिर आपके लिए दुआ हाथ उठाते हैं, और लोग कहते हैं कि वाकई माँ बाप ने सही मानों में इसकी तरबियत की है। बहुत प्यारी बात है। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, बच्चों को कभी नजरअंदाज ना कीजिए, कभी आप बच्चों को जो है वो उनको डिसहार्ट मत कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए अच्छे मामलात में, लेकिन गलत बातों पर अवॉइड करना वो भी बहुत बड़ा जुल्म होता है कि बच्चा है अवॉइड कर दिया, लेकिन वो बच्चा जिसने छोटी सी गलती की है, कल वो बहुत बड़ी गलतियां शुरू करेगा और फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नाज़िक बात यह है, ग़िज़ा का ताज़ुन भी आप कीजिए मौसम के लिहाज से। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो मैंने बताया, जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, अगर उनको कमज़ोरी है, नकाहत है, जरासीम की कमी है, तो हमारे पास ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं। जिन लोगों के 0% जर्म सीमन रहे, जिनके स्पर्म की क्वान्टिटी बहुत 0% रही, उनको भी हमने अल्लाह ताला ने शिफाया भी अता फरमाई, हमने बड़ी मेहनत से उनको फिर उनके यानी उनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी की। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जिनको मेरे इलाज से ट्विंस हुए। अभी चंद दिन पहले, दो दिन परसों मेरी सखर से भी फ़ोन आया, बच्ची कहने लगी अंकल मेरे 8 साल के बाद बच्ची पैदा हो गई है। माशाल्लाह। 8 साल के बाद जो है वो
तो मैंने उनसे बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटा अब इंशाल्लाह तुम्हारी लाइन लग जाएगी। तो अब अक्सर मेरे ट्विन बच्चों इलाज से ट्विन हुए। अच्छा बात यह कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो बच्चे माँ बाप से भी मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं, बात नहीं बताते माँ बाप को और अपने दोस्तों को बता देते हैं। तो आप, मैं मौलिज हूँ, बेटा आपके कोई मसाइल हो डायरेक्ट मेरा नंबर चल रहा है, बच्चे मुझसे रब्ता करके अपने मसाइल डिस्कस करें ताकि उनके रहनमाई कर सकूँ। इसमें हमारा मैन फार्मूला है, वो मैन फार्मूला है जिससे दोनों के मसाइल हल हो जाते हैं। आप सिर्फ ये रखिए कि बच्चों को अपनी तरबियत तालीम और उनको दीन की दुनिया की तालीम जरूर दीजिए ताकि उनको समझ में आए कि वहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक, शुगर के मरीज भी बेऔलादी का शिकार होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स होती है उससे भी बेऔलादी की प्रॉब्लम और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो विदन में 90 डेज में थायराइड को नॉर्मल कर देते हैं, हमारी दवाएँ कर देती हैं। और बहुत सारे मामलात में चूँकि वक्त की कमी है, किल्लत है, मैं आपको नाज़िर एक नुस्खा नौजवानों के लिए बता देता हूँ ताकि वो इस मौसम में तब्दीली मौसम में जो मौसम सर्द आ रहा है इसमें वो अपने आप को नॉर्मल कर लें। देखिए बादाम 5 दाना लीजिए, पिस्ता 5 दाना लीजिए, ओके, अखरोट 1 अदद, 1 चम्मच चाय वाला तिल और 1 चम्मच मगज़े चहार ये लीजिए और इसमें आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना, बारीक कर लेना और सुबह शाम दूध में के साथ जो है एक यानी पेस्ट बना ले और इसको दूध में बॉयल गर्म गर्म दूध में या बॉयल करके भी आप इस्तेमाल करें नीम गर्म, तो ये बच्चों को लिए बहुत अच्छी गजा है ये इस मौसम में भी। और वो लोग जिनको सूरत निज़ाल की शिकायत है वो अपनी गजा में मिर्च मसाले अचार चटनी गोश्त ये कम कर दें, यानी प्री मैच्योर एजुकुलेशन सूरत निज़ाल को कहते हैं टाइमिंग की कमी, प्री मैच्योर एजुकुलेशन जो ओके समझे ना, ये भी कम ये भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी। हमारे पास कुछ जो मेडिसन है वो आप मंगवाएं, उसको 30 डेज 40 डेज इस्तेमाल कर लीजिए तो इससे भी आपको मसाइल से निजात मिल जाएगी। और इसी तरीके से जिन लोगों के स्पर्म क्वांटिटी कम है जो मैंने नुस्खा बताया है पिस्ता बादाम और तिल और चार मगज़े चहार, वो भी किसी हद तक उनकी स्पर्म क्वांटिटी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। मगर ये ना समझिए कि ये मुकम्मल इलाज है, बाज़ लोगों को उसके साथ साथ हमारी वो दवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है जो कि आपको इनफर्टिलिटी से या अज़दवाजी मामलात में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, नाकामी हो जाती है, उसमें आपका मामला बेहतरीन तरीके से हल होना शुरू हो जाता है और यूँ आप की ज़िंदगी बेहतरीन खूबसूरत हसीन रानाइयों से खूबसूरती से भरपूर हो जाती है। क्या बात है, देखिए दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफा आता है, अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में जी अल्लाह की परेशानियों में गुजारेंगे, नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र करके आप ये समझे कि आइए जिंदगी को बेहतर पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी सोच रखें, लोगों को खुश करें, लोगों से दुआएं लें, समझे, बच्चों से प्यार करें, जानवरों से मोहब्बत करें और इंसानियत की बुनियाद पर जो जो चीजें अल्लाह ने हमें दी है हम वो लोगों को बांटे। क्या बात है, जो चीज आप बांटेंगे अल्लाह ताला वो आपको देगा, रिस्क बांटेंगे तो रिस्क मिलेगा, खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी, मोहब्बतें बांटे मोहब्बत मिलेगी, समझे ना। तो ये चीजें दुनिया का एक असूल और ज़ाबता है जो आपको और ईमान की नेमत एक चीज और बांटनी है वहाँ जाके और सबने परचेज करनी है और वो है जरा दिखाएगा क्योंकि मौसम हो गया है तब्दील। और यकीन करें आप अफसोस ना करेगी कि ये मैंने सभी ने गलत किया, मैं सच कह रही हूँ, ये अब डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं बता रही, बताएं जी ये क्या चीज़। सभी ये चीज बड़ी मैजिक चीज है, दो चीजें हमारे पास बड़ी मैजिक है, एक तो ये अस्करी वाटर, ठीक है, ये इस मौसम की नेमत है, कसम से सर्दी सर्दी का मौसम हो, सीने में इन्फेक्शन हो गया, नज़ला है, खांसी है, बुखार हो गया है और ये आपको किस जल्दी को प्रॉब्लम आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ये समझे कि ये 101 बीमारी की एक दवा है। ये आपकी बहुत सारे लोग इसे लेते हैं और कहते हैं जनाब जब आपका स्क्री वाटर हमारे पास होता है हम पुरसकून होते हैं कि डॉक्टर हमारी जेब में, डॉक्टर हमारी जेब में, हाँ, आप छोटे छोटे मामलात में डॉक्टरों हकीमों के पास जाते हैं, नजला हो गया डॉक्टर के पास, सही क्या, बिल्कुल ठीक, बुखार हो गया, आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आपके घर में हो तो आप ये समझिए कि आप पुरसकून सो रहे होते हैं, आपको जरा सी खांसी हुई आपने 2 ड्रॉप्स मुंह में डाल लिए खांसी खत्म हो गई, नजला हुआ तो 2 ड्रॉप्स जो है वो आपने टिश्यू पे लगा के नाक पे लगा लिए, आपका नजला खत्म, खांसी खत्म, किसी किस्म का जानवर ने स्किन पे काटा हो, कोई जख्म हो जाए, गैंग्रीन है, इन्फेक्शन है,
पिंपल्स, स्किन लूजिंग के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्किन जो है मल्टी कलर स्किन हो जाती है उसको भी सॉल्व करता है। कानों का प्रॉब्लम आ जाता है, दांतों का प्रॉब्लम है, पाइल्स है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये समझे कि ये आपकी हाथ पास है तो आपका आपके 80% मसाइल जो है ये अस्करी वाटर हकीकत हकीकत इसमें कोई शक। और ये जहाँ भी जिस मैं चैनल पे भी जाता हूँ वो सबसे पहले मुझे कहते हैं जी अस्करी वाटर हमें दे दीजिए समझे ना। और सभी खुद इसको अल्लाह का शुक्र, मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ और अभी भी सुबह ही मैं इनसे बता रही थी, मैं सच कह रही, मैंने कहा यार मेरे गले में दर्द हो रहा था, बोला नहीं जा रहा था, आवाज़ नहीं निकली, मैंने थोड़ा सा पानी कप में लिया, वो सादा पानी, कोई गर्म भी नहीं किया, उसमें 2 कतरे डाले, उसके गार्गल किए मैंने, और मेरा यकीन करें मुझे वो पेन ना वो एकदम 5 मिनट भी नहीं लगे, और फिर हाथों में 2 कतरे लगाए मैंने ऐसे किया और ऐसे करके ना यूं मेरी नाक खुली खुली, मेरी आंखें भी खुल गई, मेरा दिमाग खुल गया रियली इसका ऐसा। अच्छा जलन नहीं होती, अगर आप चाहें जैसे इन्होंने कहा टिश्यू पेपर से आप सूंगे, अगर आप हल्का सा नाक पे या लगा भी देंगे ना तो कुछ भी नहीं जलन है, कोई इरिटेशन नहीं। कोरोना के दौर में लोगों ने इस कदर मेरा ये अस्करी वाटर मंगवाया है, बिल्कुल ऑनलाइन मंगवाया है, सैकड़ों हजारों के करीब जो है लोगों ने इसके इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा जी कोरोना के से हम बड़ा खौफजदा थे लेकिन आपके इस चंद 100 का अस्करी वाटर जो है उसने हमें हजारों। एक चीज और ऐड कर लूं, मेरे मसूड़ा सूज रहा था, कहीं वो लग गया, वो मैंने स्टिक से कर रही थी तो वो लग गया होगा या ब्रश आई थिंक कुछ, मेरा मसूड़ा सूजा, मैंने इसके 2-3 बार एक ही दिन में वो कुल्ली करी थी पानी में डाल के ना कि इसको फील किया, थोड़ा रोका मैंने ना, तो यकीन करें वो मेरी पेन जो है ना वो ठीक हो गया था। और ये गले का प्रॉब्लम है, मेदे का अल्सर है, आंतों का इन्फेक्शन है, आंतों के को मामलात हैं सारे, यानी ये सर से लेकर पैर के नाखून तक आप ये समझे कि बहुत सारे मसाइल, जहाँ आप लगा लेंगे वो मसला हल हो जाएगा। मैं तो गले में दर्द है, थोड़ा इस कान के नीचे थोड़ा यहाँ लगा दिए, थोड़ा यहाँ लगा, जैसे सांस लेने में ना उसकी फीलिंग, क्योंकि 5 मिनट बाद इसका अरोमा खत्म हो जाता है लेकिन आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, ऐसा फ्रेश हो जाता है। अच्छा इसी तरीके से हमारी मैजिक क्रीम है, ये अस्करी मैजिक क्रीम है, ये बड़ी लाजवाब चीज है, और ये चेहरे की पे लगाएं तो स्किन लूजिंग खत्म हो जाती है, ब्लैक डॉट्स मल्टी कलर स्किन जो है वो खत्म हो जाती है, आपके थायराइड प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाती है, गर्दन पे लगाएंगे तो ये आपके फौरी तौर पर खून में शामिल होकर ऑक्सीजन लेवल खून में बढ़ा देती है, खून को नॉरिश कर देती है, और माइटोकॉन्ड्रिया पे जाकर ये अपना काम करती है जहाँ से खून के खुलियात पैदा होते हैं, वहाँ से ताकतवर खून पैदा करती है। ये क्रीम जो है ये सर्च करती है पूरी बॉडी में इमराज को, ये कैंसर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जोड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इसी तरीके से पॉलीसेस है, फाइब्रॉइड्स है, हार्मोनल सिस्टम की डिस्टरबेंस है, वो आपको नाफ के नीचे लगा लें तो वो उससे सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। 3-4 मिनट रह गए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें गैंग्रीन की प्रॉब्लम जो हो जाती है शुगर पेशेंट्स को, गैंग्रीन खत्म होता है, किडनी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, शुगर नॉर्मल कर हो जाती है, हमारे साथ पास जो है वो शुगर की दवा मौजूद है, अस्करी ग्रीन है, अस्करी ग्रीन एफ है, इसी तरीके अस्करी स्मार्ट है, और बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपके ज़िंदगी के मसाइल को हल करके आपको नॉर्मल लाइफ में ले आती है। हम ज़िंदगी को बेहतर समझते हैं और ज़िंदगी के मामलों में हमसे जो मशावरत आप ले सकते हैं वो लीजिए। मैं आपको यकीन वासिक से कह सकता हूँ कि मेरा ख़ानदान ने लाखों ने करोड़ों अफराद की खिदमत की है और उनको शफायाबी अल्लाह ने दी है, तो आप आइए, इससे बेहतर मौका कोई नहीं होता, अल्लाह ताला आपको ज़ोमान में रखे, आमीन, दुआएं हैं। और अच्छा एक चीज आपके लिए, एक और चीज बताऊं आपको, इस वक्त जो लोग प्रोग्राम, हर कोई तो देख नहीं रहा होगा, वो आपसे कहेगा भी नहीं, जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ही जाके डॉक्टर साहब से कहेंगे, उनको आपने 20% डिस्काउंट जो है मेडिसिन देनी है, चेकअप फ्री रखना है। अब देखिए सिर्फ ये वही लोग होंगे जो देख रहे होंगे, हर पर्सन तो आपके पास नहीं कहेगा ना कि मुझे डिस्काउंट दे, ये जिन लोगों ने इस वक्त आपका प्रोग्राम बड़े गौर से देखा होगा उनको बेनिफिट ये कि आप जब आप इनसे ऑफ कोर्स कॉल भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आप सर उनको बिल्कुल आज के प्रोग्राम का हवाला दीजिएगा, यस समझ आई है, बिल्कुल हमने देखा है, और आपको इंशाल्लाह 20% डिस्काउंट भी देंगे, मैं फीस में भी 50% डिस्काउंट करूंगा, क्या बात है, और जो मेरे पास बहुत गरीब लोग आएंगे यस वो ही कलर को मैं फ्री चेकअप भी करूंगा। ओके जेके जी डॉक्टर साहब ने एक बार फिर बता दें नाज़रीन, ये टाइम खत्म हो जाएगा कि आप जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, और इंशाल्लाह नाज़रीन मैं कल इंशाल्लाह कल की फ्लाइट से मेरा लाहौर रवानगी है,
मैं पीर के दिन जो है लाहौर में मरीज देखूंगा। मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इन फ़ोन पर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे इंशाल्लाह मुलाकात। लाहौर के मरीज, पंजाब के मरीज जो दूर दराज इलाकों से भी आना चाह रहे हैं, सियालकोट है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला वगैरह, वहाँ से आप आइए। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होऊंगा, एक दो दिन इस्लामाबाद में मरीज देखूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह पेशावर भी आऊंगा। पेशावर के मरीज खुश हो जाएं कि उनकी वी कॉल जो आई उस पर मैंने अपना दौरा जो है पेशावर तक बढ़ा दिया। क्या बात है। अच्छा, जो अभी ऑफ कोर्स आपके पास कराची से बेस करते हैं वो आना चाहें तो उनको भी बता दें एक बार एड्रेस ना। जी हाँ जी, एक तो मेरा एड्रेस चल रहा है जो आपको चैनल नीचे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मुकम्मल एड्रेस है। दूसरा ये है कि मैं आपको फिर भी गाइड कर देता हूँ। देखिए, ये राशिद मिनास रोड जो है ये वो रोड है जहाँ पर मिलेनियम मॉल है, अलादीन पार्क है, लासानिया रेस्टोरेंट है, अस्करी फोर है, ये पूरा नीपा तक जो है ये आपका राशिद मिनास रोड कहलाता है। यहाँ पर लासानिया रेस्टोरेंट से के पास से पहले पेट्रोल पम्प है, पेट्रोल पम्प पहले ग्लैमर मॉल है, यहाँ 27 हमारा क्लिनिक शॉप नंबर है, वहाँ तशरीफ लाइए ग्लैमर मॉल में। मैं आज बाद नमाज जुमा 4 बजे बैठूंगा, 4 से मैं 8 बजे तक मरीज देखूंगा। काइंडली अपने वक्त पे आ जाइए और कोई आज के दिन में किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइए, बराह रास्त आप इंशाल्लाह ताला लीजिएगा। और मैं ख़ास तौर पर ये भी बता दूंगा, लाहौर में जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनके लिए हम फ्री चेकअप करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। थैंक यू डॉक्टर। वैसे मेरी 1000 फीस है तो नहीं नहीं अच्छा है ना, मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत में जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद किया जा सके, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमने कोशिश की, हकीम अस्करी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अब मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग विद सबी, ब्रॉट टू यू बाय बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।